Hi, my name is Samad Ali. हमारे कोर्स जावा फॉर बिगिनर्स के आज का टॉपिक है पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज. पैकेजेस हमारे पास कुछ फोल्डर्स हैं जिनके अंदर हम कुछ ऐसा कोड जो कि आपस में तो रिलेटेड नहीं है लेकिन जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, तो हम उसको किसी एक फोल्डर में इकट्ठा करके रख देते हैं और जो डेवलपर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें ऑल पॉसिबल जो सोर्स कोड जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है वो उस फोल्डर के अंदर अवेलेबल होता है और ऐसे फोल्डर को फिर हम नाम दे देते हैं एक पैकेज का. पैकेज जो है हमारे जितने भी प्रोग्राम बनते हैं उसको हम किसी ना किसी पैकेज के अंदर डिफाइन करते हैं और अगर उसके अंदर हमें ऐसा लगे कि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं और वो मॉड्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली भी किसी दूसरी एप्लीकेशंस के लिए वर्केबल हैं तो हम उनको किसी डिफरेंट फोल्डर में डिफ़ाइन कर देते हैं और हम उसको भी एक डिफरेंट फोल्डर के अंदर डिफाइन करते हैं और उस फोल्डर को हम कोई ना कोई नेम दे देते हैं और ये हमारा एक पैकेज बन जाता है. लाइब्रेरीज हमारे पास कुछ इस तरह का कोड होता है जो कि यूज़र्स ने जो है पहले से हमारे लिए बेसिकली कुछ डेवलपर्स ने हमारे लिए कुछ कोड पहले से करके रखा होता है और हम उस कोड को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं. डायरेक्टली यूज़ कैसे करते हैं, हम एक इम्पोर्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उस इम्पोर्ट के कीवर्ड्स के ज़रिए से हम उस कोड के पैकेज नेम का नाम लिखते हैं और जैसे ही हम वो पैकेज नेम का नाम लिखते हैं वो तमाम सोर्स कोड हमारे कोड के अंदर ऐड हो जाता है और हम उस सोर्स कोड को अपने प्रोग्राम को डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. आइए हम इसको जो एडिटर है नेटबीन्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके भी देख लेते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम मैंने पैकेज रखा क्योंकि हमारे अभी का टॉपिक भी पैकेज है, तो मैंने उसकी जो पैकेज नेम रखा है वो नॉर्मली जो कन्वेंशन है वो कुछ इस तरीके से होता है कि कॉम या जो कमर्शियल इससे मुराद है और अगर एजुकेशनल है तो फिर आप EDU लगाते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है और उसके बाद एप्लीकेशन का नाम आता है और उसके बाद अगर फर्दर उसके अंदर कुछ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल है तो डॉट लगा के हम उसके इंडिपेंडेंट मॉड्यूल को भी डिफाइन कर देते हैं. ये हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस बन जाते हैं अगर हम बनाना चाहें तो. उसके बाद अगर हमने किसी प्री डिफाइंड सोर्स कोड को अपने कोड के अंदर शामिल करना हो, जैसे कि हमने एक क्लास यूज़ की थी स्कैनर की क्लास, तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली इसका पैकेज आ रहा है java.util और ये इससे इम्पोर्ट हुई है. तो जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ तो आप देखते हैं कि ऊपर इम्पोर्ट और java.util उसका पैकेज नेम और स्कैनर बेसिकली उसमें एक प्रोग्राम का नाम है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाता है. मैं इसके कोड को यूज़ कर सकता हूँ और अगर आप देखें तो मैं इसको न्यू के कीवर्ड से अपना यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ स्कैनर और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ system.in और जैसे ही मैं system.in पास करता हूँ तो जो मेरे पास स्कैनर है इसकी तमाम फंक्शनैलिटी मेरे पास आ जाती है और ये तमाम फंक्शन अवेलेबल हैं जो कि मैंने कभी क्रिएट भी नहीं किए थे. तो इस तरीके से लाइब्रेरीज जो हैं वो हमें बेनिफिट करती हैं और हमें जो सोर्स कोड डेवलपर्स ने ऑलरेडी कर दिया है हमें वो उसको दोबारा से कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. थैंक यू, अभी के लिए इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.